सीरियल गुम है किसी के प्यार में छोड़ने के बाद अब ऐश्वर्या के पति यानी कि शो में विराज का किरदार निभाने वाले नील भट्ट का आया इस पर रिएक्शन। नील ने कही बड़ी बात। आखिर क्या कहा नील ने ऐश्वर्या के शो छोड़ने पर, पाखी के जाने पर? चलिए आपको बताते हैं पूरी की पूरी खबर इस रिपोर्ट में। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने टीवी का पटाखा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में स्टार प्लस का सुपरहिट शो है जो कि टीआरपी में टॉप 5 में आता है। लेकिन हाल ही में शो को ऐश्वर्या ने छोड़ दिया। अब ऐसे में पत्नी ने शो को छोड़ा तो इस पर नील का रिएक्शन भी आया। नील ने कहा शो के ट्रैक की जो जरूरत होगी वही होगा और वैसे भी ऐश्वर्या अब लाइफ में कुछ और एक्सप्लोर करना चाहती है। हालांकि जब नील से ये पूछा गया कि नील क्या आप शो के अपकमिंग ट्रैक पर कुछ बोलना चाहेंगे या फिर पाखी के किरदार पर कुछ बोलना चाहेंगे, तो ऐसे में साफ साफ कह दिया नील ने कि भाई शो की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें डायलॉग्स दिए जाते हैं, हम वो बोल देते हैं। और पाखी और ऐश्वर्या रियल लाइफ में बहुत डिफरेंट हैं। पाखी जैसी नहीं है ऐश्वर्या। किरदार निभाना होता है, वो हम निभाते हैं और उसके बाद पैकअप हो जाता है। साफ है दोस्तों, कहीं ना कहीं नील ने अपनी स्टेटमेंट से ये हिंट तो दे दिया है कि पाखी का किरदार निभाने वाली ऐश्वर्या अपने रोल से काफ़ी ज़्यादा नाखुश थी, क्योंकि धीरे धीरे पाखी को शो का विलन ही बना दिया था। अब ऐसे में ऐश्वर्या की इमेज भी तो विलन वाली होती जा रही थी। दर्शक नापसंद करने लगे थे पाखी को, नफरत करने लगे थे पाखी के किरदार से, इन शॉर्ट ऐश्वर्या से भी। अब ऐसे में पाखी को, या यूं कहें ऐश्वर्या को, तलाश रहेगी किसी पॉजिटिव किरदार की, या फिर लगता है ऐश्वर्या जाने वाली है लंबी मटरनिटी लीव पर भी। क्या कर रही है दोनों, फैमिली प्लानिंग या फिर है कोई और चक्कर? वेल, क्या लगता है आपको? आप हमें कमेंट्स में जरूर लिख कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।